30 सितंबर को वायुसेना भोपाल में अपना पराक्रम दिखाएगी, जिसकी फाइनल प्रैक्टिस 28 सितंबर को होने जा रही है। इस दौरान लड़ाकू विमानों को आसमान में कलाबाजी करते देख लोगों को देश की ताकत पर गर्व होगा। एयर शो के लिए आगरा, ग्वालियर और गाजियाबाद के हिडन एयरबेस से ये फाइटर प्लेन्स उड़ान भरकर भोपाल आएंगे। 30 सितंबर को 91 वर्षगांठ समारोह के अवसर पर भारतीय वायुसेना भोपाल के भोज ताल पर मल्टी एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करने जा रही है। आज भी ये रिहर्सल जारी रही। भोपाल के लेक का नजारा अद्भुत था। सुबह से ही सेना और एयरफोर्स की टीमें ज्वाइंट रूप से तैयारी करती नजर आई। देखते ही देखते भोपाल के आसपास फाइटर प्लेन ने पेंगे भरना शुरू कर दी। भोपाल का आसमान फाइटर प्लेन के पेंगों से गरजता नजर आया। आपको बता दें कि एमपी की राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को आसमान में वो नजारे दिखाई देंगे जिन्हें देखकर देशभक्ति का जज्बा दिल में हिलोरे खाने लगेगा। यह एयर शो सेना और एयरफोर्स की ज्वाइंट एक्टिविटी होगी, जिसे लोग बड़े तालाब के किनारे खड़े होकर देख सकेंगे, जिसके लिए उन्हें किसी टिकट की जरूरत नहीं होगी। खास बात यह है कि 30 सितंबर को फाइनल शो होने वाला है, जिसकी रिहर्सल 22 सितंबर से शुरू हो चुकी है। आज भी रिहर्सल देखने के लिए आम जनता की भीड़ तालाब किनारे लग गई थी। पूरा भोपाल आसमान पर नजरे टिकाए खड़ा रहा। फाइटर प्लेन की उड़ान देखकर लोग रोमांचित हो गए। शो के लिए एयरफोर्स का तकनीकी सिस्टम लग चुका है। शहर में एयर शो के प्रमोशन के लिए अलग अलग एक्टिविटी की जा रही हैं। फाइटर प्लेन के एयर शो के लिए एयरफोर्स ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। एयरफोर्स एयर शो के प्रमोशन एक्टिविटी के अंतर्गत एयरफोर्स की बैंड टीमों ने अलग अलग जगह पर शहर में परफॉर्मेंस भी दी है। एयरफोर्स की बैंड टीम देशभक्ति के गानों की धुनों पर शहर को झूमने पर मजबूर कर रही है। फॉर्मेशन आपके सामने त्रिशूल की आकृति। एयरफोर्स के अधिकारियों के अनुसार 22 सितंबर से शुरू हुए एयर शो के प्रैक्टिस से ये प्रमोशन 30 सितंबर तक चलेगा। इस फ्लाईपास्ट का आयोजन किया जा रहा है एक प्रीकर्सर एयरफोर्स डे, जो कि प्रयागराज में मनाया जाएगा और फाइटर्स के इसमें सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, जैगवर्स, LCA, तेजस जो कि भारत में बना हुआ है, और हॉक्स दिखाई पड़ेगा। हेलीकॉप्टर्स में चिनूक, B-17 V5 और चेतक, और ALH जो कि भारत में HAL द्वारा बनाया गया है, और ट्रांसपोर्ट्स में C-130 यानी सुखोई, और ट्रांसपोर्ट्स में C-130 और IL-78 जो कि एयर टू एयर रिफ्यूलर है, इतने जहाज दिखाई पड़ेगा। सूर्य किरण अपना एयर डिस्प्ले जो कि अभी कर रहे हैं ये करेंगे 30 तारीख को। सारंग का डिस्प्ले आपने देखा आज, उसका डिस्प्ले होगा, और आकाश गंगा टीम जो कि सबसे पहले परफॉर्मर शुरू करेंगे। तो ये पूरा शो है, करीब से 50 से ज़्यादा जहाज शामिल हैं इस एयरफोर्स डे के सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य में। एयर शो में फ्लाई पास्ट में लड़ाकू विमान SU-30, मिराज 2000, जगुआर, LCA तेजस, हॉक्स, हेलीकॉप्टर चिनूक, MI-17, B-5 चेतक, ALH और परिवहन विमान C-130 और IL-78 शामिल होंगे। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम, सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम और आकाश गंगा टीमें भी कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगी। 30 तारीख को भोपाल के लोग बड़े तालाब के किनारे खड़े होकर ये एयर शो देख सकेंगे। इस एयर शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। तो आप भी पहुंचिए भोपाल और हिस्सा बनिए वायुसेना के शौर्य और पराक्रम का, जब भारत के लड़ाकू विमान भोपाल के आसमान में कलाबाजी करते हुए गरजेंगे, भारत देश के दुश्मन भी थर थर कांपेंगे। बने रहिए हमारे साथ दखल न्यूज पे।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।